और न्यू ब्लॉग कैसे आप लोग अभी मस्त होंगे। तभी मैं देखी सुबह सुबह मैं टहलने चल दिया और मेरे साथ है मम्मी भैया। क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ लाइट आ रहा है मैं वहाँ वहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं, भैया तो आगे तक चला जाएगा लेकिन मैं मम्मी 1 किलोमीटर है ये कॉलोनी है मेरा, ये देखिए ये कॉलोनी है 1 किलोमीटर का, तो मुरारी चौक इधर, तो फिर मुरारी चौक से फिर वापस आ जाएंगे हम लोग। दिवाली की लाइट्स अभी तक सब जगह लगे हुए हैं, तो मुरारी चौक से आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए क्या रोड है, बिल्कुल नया रोड बना हुआ है इस समय। आगे मम्मी और भैया, पीछे से गाड़ी आ रहा है, हाँ पीछे से गाड़ी आ रहा है। ठीक है तो भैया जाएगा आगे और हम दोनों चले जाएंगे घर। रानी इसमें पालक में मम्मी खाद दे रही है, पालक में नहीं सब जगह पानी भराएगा। और तो देखिए पाइप आ गया अंदर घर में से, और इधर ये लड़का है, तो चल लो पानी भरते हैं, पाइप भी आ गया। और सब पाइप तो कट गया, इस वजह से पूरा भर पूरा नहीं आ पाता, देखिए यहीं तक आ रहा है, नहीं तो वो पूरा दीवार तक जाता था पाइप। चालू करो, हो गया इसमें ना चीटी है, सब जड़ अंदर तक काट दिए पूरा, इसके अंदर चीटी पूरा कि पूरा चीटी है इसी पत्तों पर। ये तो मान लीजिए थोड़ा सही भी है, उसको देखिए वो वाले को, उसका तो एकदम हालत खराब है। इससे ज़्यादा तो ये देखिए इसको, वो छोड़िए इसको देखिए, ये तो खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद ये देखिए जाने ही वाला है, कुछ दिन और रहेगा बस, कुछ दिन और ये जिएगा, नहीं तो ये भी मरने ही वाला है। पता नहीं कि सारे बैग उनको पता नहीं क्या हो गया, पानी तो रेगुलर देते हैं लेकिन देखिए पता नहीं क्या होगा। अब इसको कोई फायदा ही नहीं है इस वाले को खनने से, ये तो बेकार ही हो गया। अच्छा जल्दी जाओ, जा रहे हैं, लो लो देख कितना बढ़िया पानी आ रहा है। ठंडी का समय आ गया है ना, ज्यादा भरना भी नहीं पड़ता है अब, अभी तो हल्का फुल्का ठंडी है, जब बढ़िया ठंडी आ जाएगा, जब कोहरे लायक हो जाएगा तब तो एकदम नहीं भरना होगा पानी। पराठा गर्मा गर्म और मैंने ले लिया, चलो अब खाते हैं। इस खाना पीना खा के मैं सो गया था काफ़ी देर, काफ़ी टाइम से मैं सो काफ़ी टाइम तक मैं सो गया। और देखिए मम्मी बना रही है वो आलू का पराठा जो बना था, उसका आलू बच गया है तो उसको इस तरह टिक्की की तरह करके इसको फ्राई कर रही हैं तवे पर। और मैं अभी सो के उठ के सोने के बाद उठ के ये गन्ने चूहा, तो ये पूरा बेकार एकदम टेस्ट नहीं है, पूरा पानी की तरह मीठा ही नहीं है ये, देख फेंक दिया मैं पूरा, एकदम बेकार है।
बीपी नापने वाला मशीन, ये डिजिटल मॉनिटर, वो हवा हवा भरने वाला वैसे पंप से आता नहीं है, पुछ 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 पंप से नहीं आता, अब आता है। ये देखिए डिजिटल, तो ये बैटरी इसका लो हो गया तो चार्ज में लगा के, वैसे तो आया था ऐसे ही नापने के लिए, लेकिन अभी भी बैटरी ख़त्म हो गया काफ़ी दिन से, तो इसको देखते हैं चलता है कि नहीं। चालू तो हो गया, कौन लगाएगा पहले, मम्मी? ये देखिए इसको, अब मेरी बारी। इधर देखिए, खाना पीना भी हो गया, वही नॉर्मल हल्का फुल्का, सुबह का आलू का पराठा बना था, तो शाम को थोड़ा हल्का फुल्का बना है, दाल चावल और चोखा, तो यही खा लिया। अब सुबह अब देखेंगे क्या खाना है, तो अभी गब्लू उबलू को भी घास दे दिए, वो अपने सब मजे कर रहे हैं, और अभी मेरा ट्राइपॉड भी आएगा जो व्लॉगिंग के लिए मैंने मंगाया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो वो आएगा आई थिंक 10 तारीख को आएगा, हाँ 10 तारीख को आएगा वो, उससे पहले भी आ सकता है लेकिन 10 तारीख को आएगा वो, उसका लास्ट डेट है। और इधर देख, कल मैं छुट्टी है, कल कैसे का छुट्टी था, गुरु नानक जयंती, हाँ हाँ कल गुरु नानक जयंती है तो उसका छुट्टी है, और 2 दिन का छुट्टी, तो परसों है, परसों देव दीपावली है तो उसका भी छुट्टी है, 4 दिन टोटल छुट्टी रहा। मैंने कल तो एग्जाम तो स्कूल में, तो वो छुट्टी प्लस आज संडे है और 2 दिन और छुट्टी, तो 4 दिन पूरा छुट्टी था। और अब चलेंगे अब 9 तारीख से स्कूल में फिर रेगुलर, तो गाइस बस इतना ही, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट करिए, तो बस इस व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for watching. Bye. Good night.